हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। सो गाइस, आज मैं आपको डीवी स्टार ग्वालियर 22 सितंबर 2022 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के माध्यम से आपको यह न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो न्यूज़ पर बिल्कुल भी शक ना करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती की तैयारी हो चुकी है, जल्द भर्ती आने वाली है। तो न्यूज़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको MP की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयु सीमा में छूट से नए आवेदक मुश्किल में, मैदान में लौटने लगे पुराने कैंडिडेट। कोरोना काल के बाद पुलिस की सबसे बड़ी व कठिन भर्ती जल्द होने वाली है। तो मध्य प्रदेश की कोरोना के बाद सबसे मुश्किल भर्ती होने वाली है पुलिस कांस्टेबल और एसआई की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस बार देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 साल की चोट का जो नियम लागू किया गया है मध्य प्रदेश की हर एक भर्ती में, उससे जो पुराने कैंडिडेट थे वह वापस आ रहे हैं और कंपटीशन देने की पूरी पूरी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि 600 पदों पर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 600 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है आपकी। पुलिस मुख्यालय सब इंस्पेक्टर के 600 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसमें सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के पद शामिल रहेंगे। इसमें लंबाई, सीना आदि की माप के साथ रिटर्न टेस्ट के अलावा फिजिकल टेस्ट पास करना आवेदक के लिए ज़रूरी है। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जो एसआई के 600 पदों की तैयारी चल रही है। पुलिस कांस्टेबल के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता ही है कि पहले से 8,000, 7 से 8,000 के बीच में यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती आने वाली है आपकी, उसमें आपके 7 से 8,000 के बीच में आपका भर्ती रहने वाला है कांस्टेबल वाला, और एसआई के आपका 600 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए गाइस, आप वो बोलते हैं कि सर आप जो न्यूज़ लेकर के आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं। तो गाइस, न्यूज़ आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर जो वेबसाइट होती हैं उनमें आर्टिकल के थ्रू ही आपको न्यूज़ दी जाती है। जो न्यूज़ ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है वही न्यूज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। तो बिल्कुल न्यूज़ पर संशय ना करें और अपनी तैयारी में लग जाइए, बिकॉज यहाँ से आपको कॉम्पिटिशन बहुत अधिक देखने के मिलेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूज़ है, पूरी मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक व आरक्षक परीक्षा में ओवरेज हो चुके लाखों आवेदक, राज्य सरकार की आयु सीमा में 3 साल की छूट दिए जाने के फैसले के कारण कोचिंग व मैदान में लौटने लगे हैं। ऐसे में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आगामी पुलिस भर्ती में जहां मेरिट ऊपर जाएगी, वहीं रिटर्न व फिजिकल टेस्ट भी कड़ी टक्कर होगी। प्रदेश में 1 लाख से अधिक ऐसे आवेदक हैं जो 2017 से उप निरीक्षक की परीक्षा न होने से अधिकतम आयु पार कर चुके थे। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद उनमें से अधिकांश आवेदकों ने फिर से तैयारी शुरू कर दी है। तो गाइस, इस बार आपको बहुत ही अधिक कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज 2017 से आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एसआई की न्यू वैकेंसी नहीं निकली है। उससे जो बच्चे ओवरेज हो चुके थे वो भी अभी कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं, और पुलिस कॉन्स्टेबल के अभी आप सभी को पता ही है कि 12 से 13 लाख फॉर्म डले थे, उसमें से सिर्फ आपकी जो भर्ती होने वाली है 6,000 पदों पर होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा जो न्यू भर्ती आने वाली है। तो अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, मैं आज आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ, बिकॉज आप हमारे चैनल के कंटिन्यूसली व्यूअर हो, बिकॉज आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल और एएसआई की न्यू भर्ती जल्द आने वाली है। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए अब अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, अब वापस अपने कोचिंग संस्थानों में, फिजिकल एकेडमी में आ चुके हैं। तो इस बार आपके लिए
एक प्लस पॉइंट ये भी रहने वाला है कि फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करें, तो आपको यहाँ से मेरिट में फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी को इस न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों, बिल्कुल संशय ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सो गाइस, आज की वीडियो में तक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।